राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नीम राणा में, राजस्थान में। और ये है आपका राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर, बीच में नीम राणा फोर्ट। और यहाँ मैं आया हूँ ओपनिंग के लिए। हमारे भाई जी हमें यहाँ पे टूर कराएंगे, टूर एंड ट्रैवल। और मे बी, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मे बी हम जाएंगे नीम राणा फोर्ट, महल देखेंगे। महल मैंने एक्चुअली देख चुका हूँ, मैं पहले आया हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या पता आप दोबारा पड़ जाए मौका तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इससे बढ़िया और क्या बात होगी, आपको बाहर दिखाऊंगा कल सुबह। अभी तो खैर नहा धो के फ्रेश होता हूँ, सफ़र से आया हूँ भाई। ये हो रही है तैयारी, खाना वाना बना देंगे, हरीश कर रहा है। और ये है चिकन, ये सब अभी मैरिनेट करेगा। मैरिनेट करने के बाद एकदम ज़बरदस्त लगाएगा। यहाँ ये बना रहा ग्रेवी, ये वाइट ग्रेवी, टमाटर ग्रेवी। मतलब मैं हो गया अपने आने से लेट। धीरे धीरे वेज और नॉन वेज दोनों आइटम बन रहे हैं। पनीर चंगेजी भी बन रहा है और चिकन भी बन रहा है। चिकन वाले चिकन खाएंगे, वेज वाले वेज खाएंगे। वेलकम बैक। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ रेडी और अब हम जाएंगे, देखते कहाँ जाएंगे। अभी आपको मैं नीचे बार दिखाता हूँ कि बार कैसा है, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ नीम राणा की जगह जो राजस्थान में है। और बढ़िया जगह है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले भी रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी पसंद आएगा। बाकी दूसरा प्रोग्राम है महल वहल जाने का, फोर्ट वगैरह कल जाएंगे। और आज नियर बाई घूमेंगे, इधर पहाड़ में जाएंगे ऊपर साइड में, और एक बागड़ी बिरना के क्या है साइड में, वो दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। पहले आपको यहाँ पे बार दिखाते हैं जो ओपनिंग करवा रहा हूँ। तो ये है नीम राणा सेंट्रल, जो मेन सेंट्रल है, मतलब मेन एरिया यहाँ का नीम राणा का। तो ये अपना भाई है रमेश, और पूरा सेंट्रल इसके अंडर में रहता है। इसकी शॉप है यहाँ पे, ऑल आइटम अवेलेबल हेयर। तो अगर आपको कुछ भी लेने हो, नमकीन पे लेके दारू तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब पूरे सेंटर में देखो, बाहर जितने भी यहाँ पे फ्लैट वगैरह दिख रहे हैं ना चारों तरफ के सेंट्रल में, मतलब सब इसके पास आते हैं यहाँ पे, और सब सामान मिलता है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे विजिट करोगे, यहाँ पे रूम वगैरह सब मिलते हैं, 5-स्टार प्रॉपर्टी भी है आगे, तो आप यहाँ ज़रूर आए। चल रहे मैं इस पर, ठीक है, घूम के आऊँ थोड़ी, ठीक है भाई। Back.
यहाँ नीमराना सेंटर लाते हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम आपका, आप यहाँ आए, आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरा नाम ले लेना कि प्रकाश के तरफ से आए हैं, बाकी आपको डिस्काउंट देगा ना सर, तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बाकी आप देख लो कैसे लग रही है आपको लोकेशन, अगर राजस्थान साइड कोई आता है तो बीच में स्टे करना चाहता है तो यहाँ स्टे भी कर सकते, स्टे के लिए रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे बावड़ी नीमराना, तो ये है यहाँ का बावड़ी। और यहाँ मतलब कितने नीचे है रहे, नौ मंजिल नीचे। तो ये नौ मंजिल नीचे है यहाँ से। अब यहाँ पे काम चल रहा है तो ज़्यादा दिखा नहीं सकते, बाकी यहीं से ही डर लग रहा है नीचे को देखने में। टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। यार हम इससे इतनी दूर पे खड़े हैं, देखो यहाँ से इतनी दूर, अब हमें आगे जाने में डर लग रहा है, इसे भी डर लग रहा है जबकि ये लोकल है यहाँ नीचे यार नौ मंजिला नीचे। तो वहाँ फोर्ट से रानी यहाँ आती थी नहाने के लिए भाई रे, और ये उसका ड्राइवर है रानी का ड्राइवर, तो ड्राइवर साहब कंडक्टर हमारे साथ है। मजा आया, पहले ये टूटा फूटा था, अब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसे तोड़ के नया बना रहे हैं। अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, पहले प्राइवेट था, तो यहाँ टिकट लगाया करेंगे। तो भाई हम तो फ्री में आ गए, नेक्स्ट टाइम आप आओ तो पैसे लेके आना, यहाँ टिकट लगेगी नीचे देखने के, ज़्यादा नहीं 10 रुपये पर पर्सन, अभी 10 रुपये पर पर्सन, ये तो खैर रानी का ड्राइवर है इसका तो फ्री एंट्री है। बावड़ी मतलब क्या होता है, नहाने वाली जगह, बावड़ी मतलब नहाने वाली जगह बावड़ी। तो मूवी वगैरह भी बनी थी यहाँ पे मेजर साहब वाली, बाकी इस साइड में बहुत शूटिंग हो रखी है वहाँ। हाँ यार जगह बढ़िया है, पद्मावती में नहीं जाती हो नीचे नीचे। पीके मूवी में भी है ये नहीं है, अच्छा ऐसी है वो भी, अच्छा वो भी ऐसी है। इसमें चलने में डर लग रहा है, यहाँ पे दुनिया खड़ी हो रही है लेकिन हमें इसमें चलने में डर लग रहा है, कहीं ये टूट के नीचे ना गिर जाए। तो पूरी पब्लिक फ़ोटो वोटो खिंचा रही है लेकिन पता नहीं हमें किस चीज़ का डर लग रहा है, जल्दी चलिए इसमें और देख लिए ध्यान से ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चाइना का नहीं रहता वो चाइना का ब्रिज जिसमें ट्रांसपोर्ट रहता है, लेकिन उसमें कैसे डर डर के जाते हैं लोग, उस टाइप का ऐसा लग रहा है, चलने में डर लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है अब गिरा नीचे। तो ये है हमारे हैवी ड्राइवर नरेंद्र सिंह
बहुत ही टफ रोड है, बहुत ही ज्यादा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे फुल टॉप में। वाओ, एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, फुल मजा आ रहा है इतने टॉप में आके। ठंड वगैरह बिल्कुल नहीं लग रही है, मौसम बहुत सेंटी लग रहा है, और भाई व्यू तो क्या ही कहूँ इस व्यू का भाई, ये देखना क्या बात है यार। वहाँ दूर गांव इस साइड में क्या है, डॉगी इस साइड में डॉगी। ये है इधर का सुंदर सुंदर नज़ारा जो आप देख रहे हो हमारे साथ। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे रील बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा घूमने की कोशिश करते हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। साइड में मंदिर है जो वाइट वाइट सा दिख रहा है आपको, उसमें मंदिर में बारात गई थी लेकिन वो बाहर नहीं आई, वो गुफा है भीतर ऐसे बढ़ के, उसमें गई थी लेकिन आई नहीं आज तक वापस। हो चलो कहते हैं ढूंढने चलते हैं उनको। तो आप बारातियों को ढूंढने चलते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे रील वील बनाते हैं थोड़ी, अगर वहाँ पे मन सा तो नहीं है, बाकी देखते हैं जाते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है यार, बाइक की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी उस साइड को। पिछली बारी तो हम गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी भी यहाँ सोचो इस रोड पे गाड़ी लेके आए थे हम। तो देख के बताना भाइयों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो और मिलती रहेंगी। बस सब्सक्राइब करते रहो, जितना हो सके शेयर करो। तो हमने यहाँ ढेर सारी वीडियो बना दी है और रील भी थोड़ी बहुत भाई जैसी हमें आती वैसी बना दी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे को, आपको दिखाते हैं वहाँ। और जैकेट मैंने ले ली है, जैकेट इसने ले ली है क्योंकि मुझे अब गर्मी लगने लगी है, इसे ठंड लग रही है। चले चलो चलो दोस्तों हमारे साथ घूमो। तो ये है यहाँ का रास्ता, ऐसा फिसलन भरा बिल्कुल, जिस पे हम चल रहे हैं। इस पे भाई बड़े प्यार से चलना पड़ता है, सावधानी थोड़ी सी हटी तो दुर्घटना घटी, ये वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे। ओ बेर, वाह बेरी का पेड़ है ये, और हम इसमें से खाते हैं बेरी। मजे आ रहे हैं भाई, हटे हटे बहुत छोटे साइज के हैं, इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन टेस्ट पूरा बहुत अच्छे लग रहे हैं, खट्टे मीठे से एकदम। और अब हम आ गए यहाँ पे मंदिर में, हाँ ना कर करके हम फाइनली पहुँच ही गए यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें पता नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे शाम हो जाएगी, तो इस वजह से हम आगे। चलो कोई नहीं, यहाँ तक आए थे तो यहाँ तक भी आ ही गए। ये देखो ये है वो गुफा जिसकी शिवाय, ये है शिव गुफा, तो ये है बाबा जी, ये हैं अपने भोलेनाथ, और वो है गुफा। कहाँ रे गुफा वो? चलो चलो तो आपको गुफा में ले चलते हैं। ओ भाई वो ओ चमकादड़ का नहीं है, नीचे आ जा भाई। ये देखो ये बेटा खून चूस लेते हैं, कुछ ना चूस पक्की बात है। चलो आप आगे चलो ना, कितना चालू है मैं इनके खून चूस लेते, कह रहे कुछ नहीं चूसते तुम जाओ आगे। भाई बहुत चमकादड़ है भाई यहाँ पे। तो वहाँ पे है भाइयों गुफा,
उस साइड में, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे शादी गई थी कि यहाँ से बारात, और वो कभी वापस ही नहीं आ पाई। ये मंदिर यहाँ पे बहुत हाइट पे है, और यहाँ से नीचे को भी देखना, नीचे को भी ऐसी है, पूरा पहाड़ एरिया दूर दूर तक। तो कुछ जानी मानी जगह हैं ये भी राजस्थान की। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली ब्लॉग में। अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, अब 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों 1K सब्सक्राइबर करवा दो यार, शेयर करके किसी दोस्तों को शेयर करो, भाइयों को, बहनों को, किसी को भी शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़वा दो, 1K करवा दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय बाबा की।